बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा प्रोग्राम मेंटेनिंग प्रोडक्टिविटी इन डिफ़िकल्ट टाइम्स है। और जैसा आजकल आप देख भी रहे हैं, पिछले 5-6 महीनों से जो COVID-19 की लहर आई है, उसमें लोग बहुत सारे बिजनेस डिसरप्ट हुए, प्रोफेशंस को बहुत मुश्किल हालात से गुजरना पड़ा, लोगों को ज़ाती तौर पे और काम के हिसाब से बहुत मुश्किल से गुजरना पड़ा। तो इस हवाले से बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए कि इस पेंडेमिक के दौरान और मुश्किल हालात में अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे बेहतर रखा जा सकता है और किस तरह से आप ज़्यादा काम करें, इवन कि जब आप ज़ाहिर काम तो करना है और उसमें कोई उसमें एक्सक्यूज़ नहीं है, ज़िंदगी तो इसी तरह चल रही है, बिजनेसेस ख़राब हुए हैं, नौकरियां ख़त्म हुई हैं, ऑर्गेनाइजेशंस ने लोगों को निकाला है, लेकिन ज़ाती तौर पर आप अपनी प्रोडक्टिविटी को किस तरह से बेहतर रख सकते हैं। ये एक मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम भी पिछले दिनों किया था और अभी मेरा कुछ दिनों के बाद भी एक क्लाइंट के साथ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो मैं सोचा कि इसके ऊपर भी आपको एक क्विक टिप्स हैं जो कि आपने ऑलरेडी शायद देखी भी हो, लेकिन मैंने कहा एक 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 वीडियो प्रेजेंटेशन में उसको मसालों के साथ कोशिश करूँगा कि आपको प्रेजेंट करूँ। पहली चीज़ ये कि एडजस्ट योर एक्सपेक्टेशंस। एडजस्टमेंट ऑफ एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़रूरी होती है। बाज़ औक़ात हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, एक नॉर्मल रूटीन के अंदर बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन ये एक नॉर्मल नहीं है। इसको न्यू नॉर्मल भी कहा जा सकता है कि जो कुछ आप चाह रहे थे, जो कुछ आपकी ख्वाहिशात थी, वो उस तरह से जो एक्सपेक्ट किया हुआ था कि इस साल आपने ये 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 अचीव करना है, वो शायद ना हो सके। तो अपनी एडजस्ट करें एक्सपेक्टेशंस को भी, कि एक्सपेक्टेशंस को कम करने को मैं नहीं कह रहा, वो एक नेगेटिविटी आ जाती है उसके अंदर, एडजस्ट करने की कि अभी नहीं लेकिन कुछ अरसे के बाद आप शायद इसको अचीव कर सकें, या अब हालात के हिसाब से उनको एडजस्ट कर लें कि जो आपकी इस वक्त नॉर्मल सूरत हाल है या ज़रूरियात हैं, उस हवाले से अपनी एक्सपेक्टेशंस को एडजस्ट कर लें। जब आप ये करेंगे तो आपको यू वुड बी इन अ बेटर शेप इन टूवर्ड्स गिविंग योर प्रोडक्टिविटी। क्योंकि अगर आपकी आपने फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप हफ्ते का एक स्केड्यूल या आप काम का स्केड्यूल रखते हैं, तो आप ये कहते हैं कि जी मैं ये इतने बजे ये कर लूँगा, ज़रूरी नहीं कि वह आप उतने बजे वो कर सकें। वजह उसकी ये होती है कि कॉन्टीजेंसीज बिल्ड करनी चाहिए, कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आ जाते हैं। तो अपने जो अपना काम है, अगर आप नॉर्मल तरीके से करते हैं, एक हफ़्ते के अंदर उसको रखें कि इस हफ्ते के अंदर मैंने ये काम कर लेने हैं, और कोशिश ये करें कि उस हफ़्ते, क्योंकि उस हफ़्ते में आपके पास टाइम स्पेंड ज़्यादा होता है। अगर आप सिर्फ एक दिन का रखेंगे तो उसमें शायद मुश्किल हो जाए कि कोई इमरजेंसी आ जाती है या कोई और काम आ जाता है, तो उस वजह से आप पूरा ना कर पाएँ। तो अपनी एक्सपेक्टेशंस को एडजस्ट कर लें कि अपने आप से जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, कि आप एक दिन की बजाय उस जो काम की नौइयत हैं या काम के तरीक़ेकार हैं उसको एक हफ़्ते तक ले जाएँ, ताकि आपके पास टाइम स्पेंड ज़्यादा हो जाए। तो एक्सपेक्टेशंस अपनी एडजस्ट कर लें। देन स्टे फोकस्ड ऑन राइट एक्टिविटीज़। उन एक्टिविटीज़ के ऊपर फोकस रखें जो कि दुरुस्त एक्टिविटीज़ हैं। अब वो हर किसी का फ़र्क होता है, राइट भी रॉन्ग भी फ़र्क हो सकता है राइट की, ये मेरे लिए। तो अपने आप अपनी पर्सनैलिटी देखें, अपने काम की नौीयत देखें, अपने प्रोफेशन की नौीयत देखें, और उसके अंदर जो राइट एक्टिविटीज़ हैं उसको करें। मिसाल के तौर पर एक नॉर्मल इंसान के लिए राइट एक्टिविटीज़ क्या है, सोना जागना, उन एक्टिविटीज़ को फोकस रखें। पढ़ने की एक्टिविटीज़ हैं जो कि राइट एक्टिविटीज़ हैं, खाने की रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं, एक्सरसाइज है, कोई ज़रूरी काम है जो कि आपने बाकायदा करने हैं, उन एक्टिविटीज़ पे फोकस रखें, और ऐसी एक्टिविटीज़ को ट्रिम डाउन कर दें जो कि आप उन हालात में कर रहे थे जो कि नॉर्मल हालात थे। तो अब ये इबनॉर्मल हालात हैं, डिफ़िकल्ट टाइम्स हैं, तो उसमें आप उन एक्टिविटीज़ को कम से कम कर दें जो कि आपकी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनसे किसी किस्म का अभी कोई फायदा पोस्टपोन की जा सकती हैं। तो जो एक्टिविटीज़ मिनिमम ज़रूरी हैं वो अभी ज़रूर जारी रखें। वर्क इन शॉर्ट बर्स्ट, छोटे छोटे जो बर्स्ट हैं उसके अंदर काम करें। उसका मतलब क्या होता है कि आप अगर एक घंटे आपका एक अच्छा, एक घंटे में आप अच्छा काम कर लेते हैं, तो उसको आप आधे घंटे के ऊपर कर सकते हैं, आधे घंटे के अंदर ले आएँ और फिर कुछ देर के लिए ब्रेक लें, उसके बाद दोबारा एक घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए काम करें। तो छोटे ड्यूरेशन के उसके अंदर काम करें, ताकि आपकी जो डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि आप लंबे अरसे के लिए जब ये काम करेंगे तो उसमें आपकी डिस्ट्रैक्शन होने के इम्कान ज़्यादा हैं। तो डिस्ट्रैक्शन को कम करने के लिए अपना टाइम स्पेन ही इतना रखें कि जो कि छोटे ड्यूरेशन को, जब
अप नॉर्मल, अगर आपका टाइम ड्यूरेशन, अगर आप फोकस ज़्यादा कर सकते हैं और आप कहते हैं कि नहीं जी मैं मेरा जो बर्स्ट है वो 2 घंटे का, तो आप 2 घंटे में काम कर लें, ठीक है। तो और अगर आप कहते हैं कि नहीं यार मेरा तो बहुत छोटा है, उसके बाद मेरी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है और डिसरप्शन आ जाती है बीच में, तो फिर आप उस टाइम स्पैन को छोटा कर सकते हैं। वर्क ऑन अ स्केड्यूल दैट वर्क्स फॉर यू, और ये उसी तरह से है कि आपका जो स्केड्यूल है जो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है उस हिसाब से काम करें। फॉर एग्जांपल आप अर्ली बर्ड हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, तो सुबह के वक्त ज़्यादा काम कर लें। आप सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है या सुबह आपकी इतनी अच्छी प्रोडक्टिविटी नहीं होती तो दोपहर के वक्त होती है या शाम के वक्त होती है या रात के वक्त, तो उस हिसाब से अपने अपने टाइम स्केड्यूल को डिफाइन कर लें कि मैं इस वक्त ज़्यादा बेहतर करूँ। जो लोग जॉब करते हैं और उनका काम ही है कि उन्हें 9 बजे से लेकर 8 बजे से लेकर 5 बजे तक, 9 बजे से 6 बजे तक उन्होंने ऑफिस में रहना है, काम करना है, तो उस दौरान भी अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं कि वो अपनी मीटिंग्स का स्केड्यूल इस तरह से रखें या जो कोई ख़ास प्रोजेक्ट उनको दिया गया है, उनके बॉस ने दिया हुआ है, वो उस वक्त कोशिश करें कंप्लीट करें जब वो ज़्यादा बेहतर फील करते हैं, दोपहर के बाद, सुबह के वक्त या ज़रा थोड़ी सी लेट आफ्टरनून में, तो उस वक्त अपने स्केड्यूल के हिसाब से काम करें तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बेहतर हो सकती है। ऑटोमेटिक टूल्स बहुत ज़्यादा हैं, उनको इस्तेमाल करना चाहिए। आपकी एप्लीकेशंस बनी हुई हैं, बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स अवेलेबल हैं, मोबाइल फ़ोन्स, ऑटोमेटिक मशीनरी, बेतहा चीज़ें हैं और उनको इस्तेमाल करना चाहिए। इनमें किसी किस्म की कोई गुनाह की बात नहीं है, कोई कबाहत नहीं है कि आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं। आप बिल्कुल इस्तेमाल करें मॉडर्न टेक्नोलॉजी को और अपनी प्रोडक्टिविटी को बेहतर करें। जो काम आप प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी के बगैर 1 घंटे में करते हैं, हो सकता है टेक्नोलॉजी के साथ वो आधे घंटे में या 10 मिनट में पूरा हो जाए, तो वो करें ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बेहतर हो सके। और जो अगर नई चीज़ें उसमें आ चुकी हुई हैं, नया तरीक़ाकार आ चुके हैं, तो उनको इस्तेमाल करें ताकि आप ज़्यादा बेहतर तरीके से अपना काम को करें और अपना जो फारिग वक्त रह गया है उसको और किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में आप गुजार सकें। अपनी हेल्थ पे फोकस करेंगे, ख़ास तौर पे जो डिफ़िकल्ट टाइम्स होते हैं या ऐसे टाइम्स होते हैं जो कि नॉर्मल नहीं होते, नॉर्मल टाइम्स होते हैं उसमें नॉर्मली आपका जो हेल्थ है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो सकती है, बोथ फिज़िकल हेल्थ भी और मेंटल हेल्थ भी। तो उसके ऊपर ज़रूर फोकस करें कि खाने की रूटीन अपनी सही रखें, खाने के अंदर जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो उसका ख्याल रखें। देन मेंटल हेल्थ में कि स्ट्रेसेस जो हैं या आपके जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेसेस हैं उसमें सबसे बेहतर हल आते तो हैं वो ज़रूर है, हर किसी की अपनी अपनी लाइफ की डिफ़िकल्टीज होती हैं, ज़रूर आती हैं, लेकिन कम्युनिकेट ज़रूर करें अपने लव्ड वन के साथ या अपने ऐसे दोस्तों के साथ जो कि आपके हालात को समझते हैं उनके साथ, और अपने ऐसे अगर कोलीग्स हैं, पीयर्स हैं, उनके साथ ज़्यादा डिस्कशन में टाइम गुजारें, डिस्कशन कह लें या उसको कन्वर्सेशन कह लें, एक अच्छी कन्वर्सेशन में टाइम गुजारें। कोई अच्छी अगर आप टॉक सुन सकते हैं, कोई अच्छी किताब पढ़ सकते हैं या कोई अच्छा ड्रामा देख सकते हैं या कोई अच्छी फिल्म है, anything which helps you in according to your mood, not going to someone else's advice के उसको फिल्म देखने से अच्छा लगता है, हो सकता है आपको फिल्म देखने से अच्छा ना लगता हो, उसको हो सकता है दोस्तों से मिलना अच्छा लगता हो तो तब उसके बाद वो बेहतर हो जाए, आपको हो सकता है ना सर आप किसी और एक्टिविटी में आप ज़्यादा बेहतर फील करें, तो वो एक्टिविटीज़ आप अपने लिए कर सकते हैं ताकि आपकी जो हेल्थ है वो ठीक रहे। प्रोफेशनल असिस्टेंस, अगर आपको बिल्कुल भी इन तमाम चीज़ों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे तो प्रोफेशनल असिस्टेंस ज़रूर लें। इससे घबराएं मत, इसके बारे में परेशान मत हों कि अगर आपको कोई साइकोलॉजिकल हेल्प चाहिए, अगर आपको कोई फिज़िकल डॉक्टर की हेल्प चाहिए या कोई प्रोफेशनल कैरियर के हवाले से हेल्प चाहिए या किसी कंसल्टेंट के पास जाना है आपने, नॉट नेसेसरली कि आपने मेडिसिन के कंसल्टेंट के पास जाना है, आप किसी जो साइकोलॉजिकल कंसल्टेंट्स होते हैं या जो कैरियर कंसल्टेंट्स होते हैं, अगर आप उनके हवाले से भी बात करना चाहते हैं तो उनके भी ज़रूर करें। इसको एक टर्म होती है, अंग्रेज़ इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा, पेनी वाइज पाउंड फॉलिश, यानी थोड़े पैसे लगा के आप ज़्यादा पैसे बचा सकते हैं, कि अगर आप छोटे छोटे पैसे बचाते रहें और आपकी एंड द एंड ऑफ द डे पता चले कि यार ये तो हज़ारों में किसी और जगह पे लग रहे हैं, तो वो अगर आपको मुश्किल लगता
लगता है इनिशियली कि ये जो कंसल्टेंट्स हैं ये महंगे भी हैं, तो वो इतने महंगे नहीं होते। अगर आप उनका इनटेंजिबल इम्पैक्ट देखें, अगर अच्छे कंसल्टेंट्स हैं, बहुत सारे बहुत फजूल से भी होते हैं, बहुत गलत पैसे भी चार्ज करते हैं, लेकिन कोशिश करें कि किसी ऐसे कंसल्टेंट जो कि आपको पैसे के वाइज भी इतना बुरा ना लगे और जो कि जिसकी कि रेपुटेशन भी अच्छी हो और जो कि अच्छे तरीके से आपको हेल्प कर सकता हो और जिससे आपको आइंदा वो पैसे बचाने की आपको बल्कि तरगीब दे दे कि यार मतलब इस दफ़ा अगर आपको पैसे लग रहे हैं तो अगर आप यही और फिर उसको इस्तेमाल भी करें। बाज़ुकात हम किसी से मशवरा तो ले लेते हैं, प्रोफेशनल हेल्प तो ले लेते हैं, लेकिन फिर करते अपनी हैं जो हमारी अपनी मर्ज़ी होती, तो ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। इसको तो आप बिल्कुल ही आप पैसे खर्च पैसे डुबोने वाली बात है और अपना टाइम ज़ाया करने वाली बात है। अगर आपने इसको इस्तेमाल ही नहीं करना तो फिर फ़ायदा क्या किसी की प्रोफेशनल हेल्प लेने का। सो ज़रूर लें अगर आप ले सकते हैं। स्टे कनेक्टेड विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, जैसे मैंने ऊपर कहा मेंटल हेल्थ के हवाले से, कि अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ऐसे मौके पर जहाँ पर आपको एबनॉर्मल सिचुएशन है, जहाँ पर आपको स्ट्रेस की सिचुएशन है, जहाँ पर आपकी जॉब चली जा रही है या ख़तरा है, चली गई है या ख़तरा है, या आपको कोई बड़ा हार्ड प्रोजेक्ट है या सेहत के मामलात हैं घर के हवाले से, तो उसमें ज़रूर आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली उस वक्त अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ ज़रूर ताल्लुक़ में रहें, फ्लेक्सिबल रहें, अपने आप को रिजिड मत करें। जब भी मुश्किल टाइम्स आते हैं तो उसके अंदर जब आप अपने आप को रिजिड कर लेते हैं और अपनी पुरानी जो आदत हैं या पुराने तरीक़ेकार है करने का उसको नहीं छोड़ते, तो फिर मज़ीद मुश्किल पड़ जाती हैं, प्रोडक्टिविटी और कम हो जाती है। तो फ्लेक्सिबल रहें, टाइमिंग के हवाले से फ्लेक्सिबिलिटी शो की जा सकती है, फैमिली के हवाले से फ्लेक्सिबिलिटी, काम के हवाले से फ्लेक्सिबिलिटी शो की जा सकती है, अपनी रूटीन के हवाले से फ्लेक्सिबिलिटी शो की जा सकती है। इतने रिजिड मत हो कि लोगों को भी तकलीफ हो आपकी रिजिडिटी से और आपको अपने आप को तो तकलीफ होगी ही। देन लास्ट पॉइंट, राइट इट डाउन, जो कुछ आप कर रहे हैं, जिस तरह से आप जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं या जो कुछ आपका काम करने की जो जो थिंग्स टू डू हैं उनको लिखते चले जाएं और जो जो आपके साथ हो रहा है उसको लिखते चले जाएं। जब आप लिखते चले जाएंगे तो आपको आपके बहुत सारी चीज़ें आपके जो जहन में हैं वो कागज़ पर आ जाएंगे, जो कागज़ पर आ जाती हैं उसको जब आप देखते हैं तो उसका इमेज बनता है, जब इमेज बनता है तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और अच्छी चीज़ें लिखें, ऑफकोर्स अपने काम के तरीक़ेकार को लिखें, अपने जो काम करने हैं वो लिखें, अपने हफ्ते की पूरी रूटीन लिखें, अपने महीने की अगर लिख सकते हैं तो लिखें। महीना ज़रा ज़्यादा बड़ा हो जाता है, बाज़ुकात बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन आई एडवाइस कि बहुत अच्छी जो एक एक दिन भी बहुत ख़राब होता है कि दिन में मैं आपने ये करना है, कोशिश करें कि हफ्ते के हिसाब से रखें, क्योंकि हफ्ता जो है वो एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे आपका एक ब्लॉक बना होता है, महीने में चार ब्लॉक्स बन जाते हैं कि इस हफ्ते में मैंने ये चीज़ें करनी, उस हफ्ते में कोशिश करेंगे वो कंप्लीट कर लें। मुमकिन है कि आज के दिन में आपको वो टाइम ना मिले, कल के दिन में वो टाइम मिल जाए या परसों दिन में टाइम मिल जाए, पीर को आपने लिखा, हो सकता है जुमे के दिन उसकी बारी आ जाए उस काम की और आप रोज़ कोशिश कर रहे हैं नहीं आ रही, लेकिन जुमे तक हो सकता है हौसला बढ़ जाए और वो काम करने का आपको वक्त मिल जाए। सो ये चंद एक प्रोडक्टिविटी को मेंटेन रखने की कुछ टिप्स थी, होपफुली आप इनको इस्तेमाल करें और इनसे आपको फ़ायदा पहुँचे। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।